सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 बनाएंगे। प्रश्न संख्या 7 कहता है, ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है। पी इसका मध्य बिंदु है, पी जो है मध्य बिंदु है, ये पी है, ये मिड पॉइंट है, यानी कहने करते हैं ए पी बराबर हो जाएगा पी बी, ठीक है, मध्य बिंदु है। और डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि एंगल बी ए डी बराबर ए बी ई है, यानी बी ए डी और ए बी ई ये कोण इस कोण के बराबर है। और ई पी ए, ई पी ए ये कोण, ई पी ए मैंने ये जो कोण है आपका, ये कोण बराबर है डी पी बी, ये कोण और ये कोण बराबर है, जैसा हम चित्र में दिखा भी रहे हैं, ठीक है। दर्शाएं कि पहला दिखाना है डी ए पी, डी ए पी ये त्रिभुज, देखिए डी ए पी आप निकाल लीजिए बाहर, ये त्रिभुज हुआ डी ए पी। और ई बी पी, ई बी पी ये कोण, देखिए ये हुआ ई पी बी, ठीक है, ई बी पी। अब इसमें क्या दिया हुआ, ए पी बराबर पी बी दिया हुआ था, उसके बाद कोण में ये कोण बराबर ये कोण दिया हुआ है, उसके बाद इसमें ये कोण देखिए ई डी पी ए, डी पी ए और ई पी बी, ई पी बी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो देखिए ये जो बीच वाला कोण है, ये वाला भाग, ये वाला भाग इसमें भी जुट रहा है, ये वाला भाग इसमें, और ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो हो ना गया एंगल, साइड एंगल से ये सर्वांगसम हो गया, तो ये दोनों कोण सर्वांगसम हो गया, तो फिर हम उसको बराबर दिखा देंगे। तब लिखेंगे कैसे, तब लिखेंगे पहले क्या दिया है, दिया हुआ जो है लिखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है लिखते चलेंगे, या फिर सीधा ले लीजिए त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई पी बी पी में, ठीक है, डी ए पी, डी ए पी में क्या है, ए पी बराबर पी बी क्यों होगा, लिखेंगे चूँकि पी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये मध्य बिंदु है, इसलिए ये बराबर। उसके बाद कोण दिया हुआ है, कोण आपको दिया हुआ है पी, ये बी ए डी, बी ए डी, यानी बी ए डी नहीं कह के हम इसको लिखेंगे पी ए डी बराबर दिया हुआ है पी बी ई। इसका कारण लिखेंगे, लिख दीजिए चूँकि कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कोण डी पी ए बराबर होगा कोण ई पी बी। इसका क्या कारण लिखेंगे, चूँकि दिया हुआ है कोण हमारा क्या था, ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, डी पी बी, इसलिए हम लोग लिखेंगे त्रिभुज बी ए, त्रिभुज डी ए, डी ए है बी नहीं, डी ए पी सर्वांगसम होगा। अब इसको मिला लेंगे, कि कोई ज़रूरी नहीं कि सर्वांगसम दिया हो तो सही है, हम मिला लेंगे अपना कोण डी, जब डी कोण था तो डी यहाँ पर कोण नहीं है, तो ए के जगह बी है, तो हम लोग ए के जगह बी लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज का बी लिखेंगे, फिर पी के जगह पी ही है तो पी लास्ट में है, तो ई बी पी किस नियम से हुआ, साइड एंगल, साइड एंगल से सर्वांगसम है। उसके बाद हम लोग को दिखाना है ए डी, ए डी बराबर होगा बी, तो लिखेंगे इसलिए ए डी बराबर बी क्यों, तो सी पी सी टी से। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या, जब कोण समझ में, त्रिभुज समझ में नहीं आए तो उसको अलग करके निकाल लीजिए, उसके बाद जो चीज़ दिया हुआ है उसको दर्शा लीजिए, उसके समझ पूरा रफ समझ लीजिए, उसके बाद उसको फेयर में बना दीजिए। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 7 बना लीजिए, 8 हम बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है
एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है, सी समकोण है 90 डिग्री है, एम कर्ण, एम जो बिंदु है कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो कहने का अर्थ हो गया बी एम बराबर ए एम हो जाएगा, तो वो दिखा दिए हम वहाँ पे, सी को एम से, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया, हमने ये एक रेखा है सी से डी एक रेखा है इसको बढ़ाया गया है, ठीक है, तो इसमें क्या दे रहा है कि डी एम बराबर सी एम, डी एम और सी एम बराबर है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया गया, डी को फिर बी से मिला दिया गया, अब दिखाना है हमको, दिखाना क्या है ए एम सी त्रिभुज, ए एम सी इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज के साथ सर्वांगसम दिखाना है, फिर ये कोण 90 डिग्री दिखाना है, फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज और इस बड़ा वाला त्रिभुज को दिखाना है, और अंत में दिखाना है कि सी एम जो है ए बी का आधा है, तो कैसे दिखाएंगे, तो पहला चीज़ के लिए हम चलते हैं, पहला त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में, इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है ए एम सी और बी एम डी में, ठीक है, ए एम सी और बी एम डी में क्या दिया हुआ है ये हम लोग देख रहे हैं, क्या क्या दिया है, तो ए यहाँ पर देख रहे हैं ए एम बराबर है बी एम दिया हुआ है, उसके बाद उसका सी एम, सी एम बराबर है डी एम दिया हुआ है, ये दिया है और ये भी चीज़ आपको दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है, और कोण जो है इसका ए एम सी बराबर होगा कोण बी एम डी शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ये आप लिखिएगा, ठीक है, तो इस तरह से त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज, एम जहाँ था वहाँ एम होगा बीच में ही, ठीक है, अब देखिए ए एम, ए एम जो है बी एम, तो यहाँ बी एम हो जाएगा, और फिर सी एम, सी एम इसे है तो डी एम, तो डी एम, तो डी यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए त्रिभुज बी एम डी किस नियम से हुआ, तो साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम हो गया, ये सर्वांगसम हो गया, तब क्या इसमें और मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा ए सी बराबर हो जाएगा बी डी, तो हम लोग लिखेंगे, आप लिखेंगे ए सी बराबर हो जाएगा बी डी सी पी सी टी से, ठीक है, ए सी और बी डी बराबर हो गया, ए सी और बी डी आपस में बराबर हो गया, उसके बाद और क्या मिल जाएगा, इसमें ये भी मिल जाएगा कि ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, ये भी लिख देते हैं, यहाँ लिख दीजिए कोण एम ए सी बराबर कोण एम बी डी और कोण एम ए सी लिखे तो एम सी ए, एम सी ए बराबर होगा कोण एम डी बी सी पी सी टी से, तो इतना चीज़ हमको ये निकाल लिए कि एम ए सी ये कोण, एम ए सी ये कोण जो है वो बराबर हो गया एम बी डी, एम बी डी इस कोण से, ठीक है, उसके बाद ये कोण एम सी ए, एम सी ए ये कोण बराबर ये कोण है, जब ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए सी समांतर होगा बी डी का, ए सी समांतर होगा बी डी का, क्योंकि अंतः एकांतर कोण बराबर ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर है, तो अंतः एकांतर कोण बराबर होगा, तो ए सी समांतर होगा बी डी का, तो समांतर यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद अब आगे हम चलते हैं, जब समांतर होगा तो ये कोण इस दोनों, ये जब कोण 90 डिग्री है तो ये भी कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये कोण भी 90 डिग्री होगा, क्यों, तो एक
समांतर रेखा के एक ही ओर के कोण, मतलब त्रिअक्षदी रेखा के एक ही ओर के कोण संपूरक होते हैं, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी कोण 90 डिग्री होगा। तो वहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसको यहाँ मिटाते हैं और इसको यहाँ लिखते हैं, बंद तो करो। समांतर ये त्रिकोण भुजा इसके समांतर हो गया, तो ये कोण और इस कोण का जोड़ 180 होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज कोण ए सी बी प्लस कोण डी बी सी बराबर 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री था, तो प्लस डी बी सी बराबर 180 डिग्री, यानी कोण डी बी सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। कारण इसका क्या लिखेंगे, तो एक ही ओर के कोण संपूरक होते हैं, समांतर रेखा के एक ही ओर के कोण, इसका यहाँ लिख सकते हैं ए सी समांतर बी डी, ये समांतर है इसीलिए ऐसा होगा। तो अब यहाँ तक हम लोग आ गए, अब क्या करना है, अब अगला जो प्रश्न है इसमें हम लोग को दिखाना है कि ए सी बी और बी डी बी सी क्या है सर्वांग समांतर। तो हम लोग लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज ये एक नंबर था, दूसरा नंबर यहाँ पे आया, तीसरा हम लिखने जा रहे हैं कि त्रिभुज किस किस त्रिभुज में आपको बोल रहा है, तो डी बी सी और त्रिभुज ए सी बी में। अब देखिए डी बी सी और ए सी बी में क्या है, तो हम लिखेंगे डी बी बराबर अभी ए सी निकाले पहला, दूसरा में हम लोग लिखेंगे कोण डी बी सी बराबर कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। ये हम लोग सी पी सी टी से लाए थे, डी बी बराबर ए सी नहीं, सी पी सी टी से लिए थे इसको। उसके बाद और क्या है, बी सी बराबर बी सी, ये ओवेनिस्ट है, ओवेनिस्ट भुजा है, ठीक है। तो इसलिए क्या जाएगा, इसलिए त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी बी का, किस सतह से, तो साइड एंगल साइड से, तो साइड एंगल साइड से ये इसके बराबर जब हो जाएगा तो अब क्या निकलेगा, डी बी सी, तो यहाँ से निकलेगा डी सी बराबर ए बी, इसलिए हम लोग लिखेंगे डी सी बराबर ए बी सी पी सी टी से। तो ये जब डी सी बराबर ए बी है, तो अब जब ये दोनों बराबर है और एम मध्य बिंदु है, ठीक है, अब ये जो M मध्य बिंदु है, तो यानी कहने का अर्थ है कि ये DM बराबर MC हम लोग लिखे थे, DM बराबर MC और AM बराबर BC तो दिया हुआ है, BM तो दिया हुआ है, लेकिन अगर ये AB बराबर DC हो जाए, तो AB बराबर DC अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए ये जो हम लोग लिखेंगे DM जो होगा वो आधा है किसका, आधा है DC का, DM जो है या CM DM नहीं CM ले रहा है, CM आधा है DC का, ये हम जान रहे हैं, उसके बाद इसको लिख सकते हैं, इसलिए CM बराबर आधा AB, क्यों, तो DC बराबर AB है, तो DC के जगह हम लोग AB रख देंगे। तो ये पूरा प्रश्न इस तरह से आप हल कीजिएगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, एक एक सीढ़ी बनाते चलिएगा तो समझ में आएगा कि क्या कैसे करना है, इसको घर में अभ्यास कीजिए। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हुआ, धन्यवाद।